अब तो मैं कह रही हूँ उस वीडियो को उनको ना ओपन कर देना चाहिए कि लो अपने अब तो पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए अब तो वो वीडियो भाई। अगर बिल्कुल पहले हमारी वीडियो पब्लिक कुछ नहीं, अगर वो काश वो मुझे चला के देख लेता ना एक बार, मैं तो शायद उसे पता लग जाता कि उसने उसी की तारीफ करी थी। मनीषा को ये बोला था उसने कि कोई बात नहीं गलती हो जाती है, कल का बुद्धू अगर कौन सा है डायलॉग, घर का बुद्धू, घर का बुद्धू, कल का बुरा अगर शाम को वापस आ जाता है, सुबह का बुरा अंकुश ने संगम दी, हर्षमान भी मेरी सुनो, एक चीज और जज किया आपने, वो भोपाल वाले वो लोग कैसे जजमेंट दिखा रहे, सचिन आए लाइव में नीचे, सचिन भी लाइव में आए हैं नीचे, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हेलो हेलो हेलो, मेरे को बताइएगा प्लीज, मेरी टर्न कब आएगी बात करने की। हेलो मैम, मर्डर वाली बात है, आप जिस तरीके से ना टारगेट कर रहे हो, आप जिस तरीके से टारगेट कर रहे हो ना, आप क्या कर लोगे, नहीं कुछ भी कर रहे हैं, क्या कर लोगे, खून कर दोगे और क्या करोगे, ये तुम्हारा यही तो तुम्हारा नहीं मैं ऐसे ही रैली निकालो मैं अगर कोई एक जन डिस्कस कर रहा तो एक जन पहले आपस में दोनों डिसाइड कर लो कौन बोलेगा फिर मैं बात मैं बोल रही हूँ मुझे फिर जाना है ठीक है। भैया देखो जिस तरीके से आपने मीडिया में जो चीजें रखी है आपका मन किया आपने रखी ठीक है, और ये आपका कोई सुन लो मेरी बात सुन लो, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप हमारी बात रोकने का ठीक है। यहाँ पे आपने जो जो भी किया हमने नहीं बोला आपको रखने के लिए, आपने खुद अपनी मर्जी से रखी है चीजें तो आपको पूरा सुनना पड़ेगा ठीक है। मैंने ये तो नहीं बोला कि आप सुनाओ आके, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं आपको सुना रही, आप मेरी बात सुनो जिस तरीके से नहीं सुनूंगा मुझे। अच्छा तो हटने के लिए तो आप ज्वाइन हुए हो, आपको सुनना पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से आप दूसरों को टारगेट कर रहे हो ना अपनी कमियां को छुपाने के लिए, तो इस चीज से तुम्हारी कमियां छुपेंगी नहीं भैया ठीक है, और रहोगे आप ऑडियंस की नजरों में गलत ही क्योंकि आपने गलत किया है, इस चीज को एक्सेप्ट करो आप ठीक है, बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। मैं बोलूं आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ये जो बैल बुद्धि मेरे को बोल रहे थे श्याने इंसान, कौन बोल रहा था ये? आपने सुन तो लिया था? हाँ सुना था, तो ये है अभी की चले गए? अभी अभी गए हैं अंकुश जी, वो लिंक दे रही हूँ, ऊपर आ जाओ पैनल पे। अंकुश ऊपर आ सकते हो आप पैनल पे, सामने सामने बात हो ना, पीठ पीछे बैल बुद्धि बोल दो किसी को, किसी को कुछ भी बोल दो। अरे सचिन भैया सुनो, सचिन भैया एक बात तो सुन लो, आप क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन क्यों करते हो, आंसर क्यों नहीं देते हो? मुझे लगेगा जैसा मैं आंसर दूंगा ना भाई, दूसरे की प्राइवेसी खुद बांटते फिर रही है कि लो मेरा लॉगिन करके रखो। अरे भाई उन्होंने आपको हेल्प के लिए दिया होगा चैनल पर, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप सयाम मेरे को ये दिखाओ, ऑडियंस को झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैं डॉलर के लिए नहीं काम कर रही हूँ, डॉलर छाप रहे हो वो आपको नहीं पता, वो बाद में मोनेटाइज किया गया है। क्यों किया, क्यों जब नहीं करना था वीडियो से अर्न, आप भी तो ऑडियंस के कहने से बहुत सारे काम करते हो ना, तो उन्होंने भी ऑडियंस सुनो सुनो, जब आपको उस वीडियो से अर्न नहीं करना था, जब आपने बोला कि मुझे इस वीडियो से कोई पैसा नहीं चाहिए, और कुछ दिन बाद नहीं किया, कुछ घंटे बाद ही ऑन कर दिया। नहीं नहीं मैंने देखा, चार दिन तक मोनेटाइज नहीं थी वो, मैंने खुद देखी। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो, चैनल मेरे पास था, चार दिन तक नहीं, एक दिन तक मोनेटाइजेशन नहीं था, वो एक दिन तक नहीं था, और एक दिन में था, मैं बता रही हूँ, एक दिन तक वो मोनेटाइज नहीं था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। नहीं नहीं एक दिन वो हुआ था, एक दिन बाद आए थे उसमें ऐड, मैंने देख लिया, एक दिन में उनके 1 मिलियन क्रॉस हो गए थे, तो उन्होंने सेकंड डे, मैं इसीलिए बता रही हूँ ना, पैसे बने हैं लेकिन मेरा वो, मैं इसीलिए ये बात बता रही हूँ ना सचिन, क्योंकि जब उन्होंने ऐड लगाने के लिए मना कर दिया था अपनी वीडियो में, तो मैं भी कमेंट सेक्शन में उनको उस दिन कमेंट करके आई थी, शायद कमेंट मेरा पड़ा होगा कि ये कोई बात नहीं होती, आपने जो प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाली है आपका हक बनता है उसको डॉलर ऑन करने का, इससे कोई आपको जज नहीं करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं खुद इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर इससे कोई जज नहीं करेगा, तो अगले दिन उस पे ऑन हुआ था मोनेटाइजेशन, अगले दिन हुआ था, और तब तक 1 मिलियन, हाँ तब तक 1 मिलियन क्रॉस हो गए थे। या तो आप उस वीडियो को ऑन नहीं करते, या तो आप उस वीडियो को ऑन किए तो आप दिलेरी से कमेंट में पिन कर देते कि गाइस मैंने इस कमेंट को इस पे डॉलर ऑन कर दिया है, अब
आप तो ऑडियंस को सीधा सर चीट कर, और ये एक बार एग्जांपल नहीं है, आप लोगों को तो पर्दे के पीछे का चीज ही नहीं पता है। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ लेकिन मेरे को बोलना नहीं है। आपकी कंडीशन पता है क्या हो चुकी है, आपकी कंडीशन पता है क्या हो चुकी है कि मुझे तो हार के भी आना है, मुझे जीत के भी आना। नहीं नहीं, मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ, और मैं तो वही तो बता रही हूँ ना, मुझे तो जीत के भी हारना है, हार के भी हारना है। आप जीतो, खुद को जीतो, खुद की लाइफ को जीतो। मेरे को जीत के क्या करना है और हार के क्या करना है? अपनी लाइफ को शिकार करो। आप छह महीने बाद यदि पूछने दीजिए सचिन, आपके घर में सब पूजा के लिए आए थे, सब चीज ठीक हो गया था, अब सारे क्रिएटर्स की पॉल पट्टी पर्दाफाश, अब क्यों सडनली आपका माइंड चेंज हुआ? आज ही मेरे को पता लगा कि मेरे लिए ये बोला गया कि मैं ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए उनके लिए वीडियो डाला हूँ। कैसे पता चला आपको? जो आपके लिए बिल्कुल ऐसे जान हाजिर कर देते हैं, मैं आपको कागज दिखा दूंगा, मेरे पास नोटिस आया है। नहीं, आपको ये मैसेज फॉरवर्ड कौन कर रहा है? और आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट नहीं किया है कि आपको इन सबों से दूर रहना है? नहीं, डॉक्टर ने बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया। डॉक्टर ने बोला कि आप जवाब दो, आप बोल रहे हो, आप डिप्रेशन में मत रहो, आप अकेले काल को अपने डॉक्टर का नहीं, जो आपके ये डॉक्टर है ना, आप उनका भी कॉन्टेक्ट इसमें शेयर कर दो। ऐसा क्यों कर दो? आपके पास होना चाहिए सर, जो अपने बीमार पेशेंट को बोले, पता है कुछ टाइम बाद है ना, आपको एक मिनट, कुछ टाइम बाद पता है आपको क्या लगेगा कि मेरे तो दोनों ही हाथ खाली रह गए, कुछ भी नहीं रहा हाथ में। मैम ये सब बातें आप लोग दोनों हाथों में ना लड्डू रखने की सोच रहे हो। मैं खाली गाइस, वन बाय वन, वन बाय वन, ऑडियंस को तो समझ में नहीं आ रहा है, वन बाय वन जाता है। पर ये जो बीच का जो सफर होता है ना, वो किसी के साथ तय करना पड़ता है हमें, ये नेसेसरी होता है। सोच रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। क्यों नहीं सोच रहे हो? वही तो क्रॉस क्वेश्चन ना, आप वही नहीं सोच पा रहा हूँ, नहीं सोच पा रहा हूँ। आप अपना दिमाग मेरे में ट्रांसप्लांट करा दो, सोचूं मैं फिर? सचिन सचिन, एक सेकंड, एक सेकंड, अब आप जानो, आपको आपको ये चीज कराना है, मुझे तो नहीं कराना। सचिन आप मेरी बात एक सेकंड सुनिए, सुनो आप। देखो पहले आप सही से बात करो, आप ये नहीं कह सकते सामने वाले को सही से बात करो। एक मिनट, डोंट बी हरी लिसन, सुनिए ध्यान से सुनिए। आप ऐसे नहीं कह सकते किसी को, आपको किसी की उम्र नहीं पता, आपको किसी का नाम नहीं पता, हम आपके लिए यहाँ पे हैं। आपको नहीं पता कोई 50 का है, 55 का है, 15 का है, लेकिन आप सडन उसे बोल दे रहे हैं और आप फिर कार्ड खेल रहे हैं कि मेरे डॉक्टर ने बोला है। मेरी बात सुनिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कितने भी उम्र का है मुझे उससे मैटर नहीं करता। लिसन लिसन लिसन, फिर आप कि वो बात क्या बोल रही हैं? अगर वो नहीं, बात कोई देखो आंसर रिग्रेशन में मिलेगा। अगर आप बात प्यार से बोल रही हैं तो आपको प्यार यही तो आप गलत नहीं, आपको कल प्यार से बहुत लोगों ने बोला, आप ज्यादातर गुस्से में जवाब देते हो, आप उल्टा जवाब देते हो। मैं अभी दोबारा आई हूँ, उल्टा जवाब अगर जो मेरे को सचिन सचिन वही तो मैं बोल रही हूँ, आप आंसर नहीं देने की कंडीशन में नहीं हो, आप क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं, वो मैं मत तो करो। सिर्फ इसलिए लाइव में आया था, सिर्फ इसलिए अभी लाइव में आया था कि एक जन बोल रहा था बैल बुद्धि। आप मेरी बात तो सुनो, एक बार सुनो तो सही, आप सुनने आया था। अरे आप ऑडियंस को सुनो, ऑडियंस नहीं था वो, अंकुश था, अंकुश था। मैं थोड़ी देर पहले इस पैनल पे आई, अपना समझ के मेरे को, और मैंने आपसे ये बोला था कि सचिन हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। आपके दर्द में भी तो वही खड़े थे ना आपके साथ। मैम एक मिनट, मैम एक मिनट, मैम एक मिनट, मैम एक मिनट, वन बाय वन, मैम वन बाय वन, हाँ बोलिए मैम। मैंने आपसे ज्योति मैम आपसे कहा था ये अमित किट्टो के ब्लॉग से सोने गए, और सोने के बाद ये 153 पे ये जस्ट यहाँ एंटर हो गए एक डेढ़ घंटे बाद से। ये सारी इनको किस डॉक्टर ने बोला है 153 तक आप इधर आओ? या तो आप उधर झूठ बोल के इधर आ रहे हो, या इधर झूठ बोल के उधर जा रहे हो। ये कॉन्ट्रडिक्ट कोई नहीं आया, पहली बात तुम्हारे लिए कोई नहीं आया। एक सेकंड, ये चैनल जिनका, एक सेकंड, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आपसे बात नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात, मैं उसके लिए आया था कि जो बैल बुद्धि, एक सेकंड में आपसे बात, मैं सोचा सामने से बात, उनके 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 जाओ, उनके चैनल पे जाओ, उन्हीं के पास आया था। नहीं वो चले गए, आप जाओ, आप यहाँ से निकल के जाओ। मैं आपसे मत बोलो कि आप जाओ यहाँ से, ऐसे किसी से मत बोलो सिस्टर। आप भी
थोड़ा सा ये आप लोग सब गेस्ट हैं, अगर अंकुश को रोस्ट करने आए हैं तो यहाँ अंकुश नहीं है, अंकुश को रोस्ट करने नहीं, वो उनसे बात करने आए थे, उन्होंने उनको करने आए हैं, आई डोंट नो जो भी बात कर रहे हैं। प्लीज लिसन टू मी मैम, ज्योति मैम, ज्योति मैम, नो आई डोंट वांट टू लिसन, आई डोंट वांट टू लिसन एनी मोर, प्लीज जस्ट कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। ज्योति मैम, मैंने आपको क्या बोला था कि इन्होंने ये ऐसा ही होगा और ये यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे आए, तो ये घर की पंचायत अब यूट्यूब की पंचायत है और हम ये देखना नहीं चाह रहे, एक मैंने देखना नहीं चाह रहे, जो भी है प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाइए। सचिन, अगर आप हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं तो देखिए आप पैनल पर रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप जवाब ही नहीं देना चाहेंगे तो फिर यहाँ रहने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि अंकुश चले गए हैं, तो वही चीज मैं बता रहा हूं, अगर वो चले गए हैं तो उनको एक मिनट, मुझे सचिन से बात करनी है, एक मिनट मुझे बात करनी है, ठीक है सचिन। सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये अनएक्सपेक्टेड वीडियो थी मेरे लिए एज अ रिएक्शन चैनल, मैं आपसे बोल, अनएक्सपेक्टेड वीडियो थी नीतू दीदी के लिए, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन, एक एक्सपेक्टेशन हम ये लगा रहे थे कि हो सकता है कि अंकुश होगा या हो सकता है सृष्टि जी होंगी, बट वाई नीतू दीदी ऑल ऑफ सडन, क्या हुआ ऐसा? ऑल ऑफ अ सडन मुझे कुछ चीजें पता लगी और मुझे पता लगा कि नीतू दीदी ने मुझे ही ब्लैकमेलर घोषित किया है पीठ पीछे मेरे चार पांच लोगों के सामने, और मुझे ये बात आपको किसने बताई? एक मिनट, वो मैटर नहीं करता है कौन है, मैटर ये करता है कि उन्होंने बोला मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया, और तो ये सारे काम अगर ऑफलाइन हुए थे तो फिर आपने ऑनलाइन क्यों कर दिया? अगर उन्होंने आपको अपना समझकर अपनी कुछ पर्सनल बातें बताई थी तो आपको इस तरह से ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए थी, आएगा आपके पास क्या देवर के लिए बोलती है, क्या देवरानी के लिए बोलती है? अरे सुनो यार, क्या बोलती है नहीं बोलती, सुनो बात, जब पूछा क्वेश्चन तो आंसर सुनो, चपड़ चपड़ मत करो यहाँ पे, हाँ पूछा क्वेश्चन तो सवाल का जवाब सुनो, बोलो बोलो, सवाल नहीं पूछा कि तुम जब बीच में इंटरप्ट करने आई हो, अरे ठीक है बोलो बोलो जवाब दो, क्वेश्चन जिसने पूछा क्वेश्चन अगर इन्होंने पूछा मैं इनको आंसर कर रहा हूँ, बीच में चपड़ चपड़ घुसने की आदत है, सुनना है नहीं किसी को, देवर देवरानी तुमको पता है क्या बुराई करती है नहीं करती है, बोला तो बोलो, मैं रिकॉर्डिंग इनको भेज दूंगा। क्वेश्चन ये है कि भाई आपने ऑल एट अ सडन वीडियो क्यों डाला? मैंने ऑल एट अ सडन इसलिए वीडियो डाला क्योंकि मुझे एट अ सडन ही पता चला कि वो मेरे लिए मेरे पीठ पीछे मुझे ब्लॉक, मेरे उससे सामने क्या बात करी, भोपाल में मिलना है, आप आओगे जिस दिन उस दिन ये होगा वो होगा, और बंदी लापता, ब्लॉक, सीधे ब्लॉक, ठीक है ब्लॉक भी मार दिया तो ओके इट्स वेल एंड गुड, लेकिन फिर उसके बाद पता लग रहा है कि ऐसा ऐसा बोला गया, उस रिकॉर्डिंग में बोला है मेरे को साइको, मैंने रिस्पॉन्ड दिया था उनको जो रिकॉर्डिंग वायरल कराई गई, लेकिन मैंने वो रिकॉर्डिंग वायरल उन्होंने नहीं, आज जब मैंने भी करी थी, लेकिन वो पीठ पीछे तो बात कर रही थी ना मेरे भी, और जब आज मुझे पता चला कि यार ये बंदी मेरे को ऐसे ऐसे बोली है, तब मुझे हर्ट हुआ, मुझे लगा कि यार ये अब ये क्यों ऐसा ऐसा बोली है मेरे लिए, तो मैं पूछना चाहा तो भाई साहब ब्लॉक मारा हुआ है, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई चलो अब तुमको ऑनलाइन ही आना है तो ऑनलाइन ही आ जाओ, डाल दिया मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, अभी तो मैंने डाला ही नहीं है, अभी मैंने डाला ही नहीं है, उनको पता है, उनको पता चल गया होगा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जाकर तुम्हारे बाजार में इज्जत उतार रही हो तो सब लोग मिलकर इज्जत उतार रहे हैं, ठीक है उतार रहे हो अपनी भी, तो सुनो बात सुनो, एक बार पहले भी आपसे यही हुआ कि आपने गुस्सा आपको आया, आपको बिट्रे फील हुआ या जो भी आपके अंदर फीलिंग आई, उस फीलिंग में आपने पहले भी एक चीज उठा के जो पर्सनल थी सोशल मीडिया पे डाल दी, भले ही इस चीज के पीछे बहुत लोग थे जिन्होंने आपको बढ़ावा दिया, राइट? सेम चीज करी ना, अभी अगर आप वापस से सेम चीज आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दोनों सिनेरियो अलग अलग है, मैं एक दोनों सिनेरियो में प्राइवेट बातें हो रही है, दोनों सिनेरियो में प्राइवेट बातें ही है जो आप ला रहे हो सोशल मीडिया पर, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, जो बातें मेरे आपको मैं सुना दूंगा अगर आप बोलोगे तो, लेकिन वो तो मेरे को फिर किसी रिएक्शन चैनल से ही आ रहा है, किसी के पास थ्रू ही आ रहा है, इसका मतलब वो पीठ पीछे, देखो दो तरीके से पब्लिसिटी हो रही है, एक हो रहा है सामने से आके बोल देना जो मैं कर देता हूँ, और एक होता है पीठ पीछे जाकर के किसी को हर्ट करना, चुभा देना कि भाई इसको करंट दे दो अब तो ये बोलेगा ही बोलेगा, तो ये चीजें कब आई आपके पास, कौन से दिन की कॉन्वर्सेशन है, कब आई आपके पास, आज आई, कौन से दिन की कॉन्वर्सेशन है, कब की पुरानी बात है लेटेस्ट बात है? पुरानी ही बात है, दो पता नहीं कितने दिन पहले की बात है, अब मैंने डेट टाइम नहीं देखा उसमें, लेकिन उन्होंने बोला, अब एक बात सोचो सचिन, अभी एक बात सोचो, अभी थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो डाला था जहाँ पे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जगत जीजा जी को बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं वो इस चीज को बढ़ावा देने में उनका भी हाथ है, ठीक है, अभी जो भी है बीच का बंदा जिसने भी आपको ये प्रोवाइड कराया है, आप उस चीज से ट्रिगर हो गए, तो जिसने आपको ये प्रोवाइड कराया आपकी नजरों में वो आपका वेलविशर है, जबकि वो आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छे से इस वक्त जानता है कि आपको हर चीज ट्रिगर हो रही है, उसके बाद मेरे पास प्रोवाइड स्पेशली नहीं कराया गया है, ये सर्कुलेट हो रहा है और जल्दी आपके पास भी पहुंच जाएगा शायद, थिंग इज
कि ये अगर बात है उनको, मेरे को जब मेरे से बात हुई, ऐसा नहीं है कि इसके बाद बात नहीं हुई थी, बात हुई थी उनकी, वो मेरे को बोलती कि मैंने भाई तेरे लिए ऐसे ऐसे बोला था, अगर तेरे पास आए तो ये मत सोचना वो मत, यार इस हद तक बोल देते हैं लोग। मैंने उनको क्या ब्लैकमेल किया है? चलो ठीक है, मैंने जो भी कुछ किया है, आपने अपने ऑडियंस को झूठ क्यों बोला? आपको लगा कि उन्होंने आपको ब्लैकमेलर बोला अपनी वीडियो में? सवाल लगा नहीं, लगा नहीं, बोला ही है कि आपको ब्लैकमेलर बोला, आप अपनी वीडियो में क्वेश्चन कर दे कि नीतू दीदी आपने मुझे ब्लैकमेलर क्यों बोला, आप मुझे इस बात का जवाब दो, मैंने आपको क्या ब्लैकमेल किया? ठीक है, आप बात अपनी जगह सही कह रहे हो, मुझे ये पूछना था, मैं नहीं पूछा, मेरे मेरे माइंड में आया कि नहीं जब इन्होंने एक धब्बा दे दिया तो इनको भी अपना धब्बा दिख जाए एक बार, तो मैंने दिखाया, अभी तो मैंने दिखाया ही नहीं है, अभी मैंने दिखाया ही नहीं है। चीजों को ना सलूशन की तरफ ले जाना चाहिए, उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, आप ऐसे सलूशन तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं कॉल करने की कोशिश किया तो पता लग रहा है ब्लॉक, ये करने के लिए तो ब्लॉक, अपनी बात करनी है तो किसी तीसरे क्रिएटर को कॉल करके कॉन्फ्रेंस करा के अपनी बात रख दे रही है। वाया वाया कोई डायरेक्ट डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट वो डायरेक्ट ही नहीं करती, वो वाया वाया ही करती है। बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर, आपका बेस्ट सलूशन कम्युनिकेट करके ही निकलता है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, कोई भी चीज आपके पास वाया वाया चीजें आती हैं। सबसे पहले इस बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, किसी का कुछ नहीं जा रहा, आपकी लाइफ बिखरती जा रही है, आप इस चीज को कितनी बिखरेगी, अब तो खत्म, अब खत्म, वही चीज क्यों नहीं समझ रहे? नहीं समझ गया, अब खत्म और क्या करेंगे, और आपको नहीं लग रहा आपकी और इमेज खराब हो रही है? और होने दीजिए, हो गया, मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ सचिन भैया, सब चीज कमा लोगे आप वापस, सब रिश्ते नाते कमाना सब ही नहीं, नहीं कुछ नहीं कमाना मुझे, पर इज्जत है ना, इज्जत नहीं कमा पाओगे, मत तो इसे अपनी बाईटी पे खत्म मत करो, कमानी नहीं, कमानी नहीं, कमानी मुझे आपके माइंड में ऐसा क्या बिल्कुल बैठ गया ऐसा? वास्तव में भगवान ने ना गंदा नहीं बोलना चाहिए, पर हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, गोबर भरा होता ना तो उसमें कंकड़ मारते तो वो फंस जाता, भूसा भरा है जो हाँ, उछल के निकल जाता है, वही वही उछल के, और वही गोबर को लोग ले जाके पूजा भी करते हैं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना, माइंड प्रेजेंस स्टेट ऑफ माइंड मेरा बहुत ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी मेरा ठीक है। गोबर गोबर के इंसल्ट करने से पहले गोबर वाले लोग जो सोचेंगे ना, हेलो सचिन भैया, मैं पुणे से बात कर रही हूँ, हेलो 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 जी, आवाज आ रही है? हेलो सचिन भैया, मुझे आपसे बोल बात करनी है। हेलो सचिन मैम, आवाज आ रही है? बोल सकती हैं, बोलिए बोलिए। हाँ मुझे मुझे बस एक बात पूछनी है आपसे, मैं पुणे से बात कर रही हूँ, मैं पिछले एक डेढ़ महीने से आपकी ये जो बातें हो रही है वो देख रही हूँ। मुझे बस मैंने मनीषा जी का एक वीडियो देखा था, जो अभी वो सिवान गई है वो वाला, वो जो तकिया पे हाथ रख के वो जो बात कर रही थी ना, वो वाली पूछनी थी कि वो जो इमोशंस में बोल रही थी, क्या आपको सच में उनकी एक बार भी याद नहीं आती? नहीं आती क्या? मतलब अभी मुझे लगता है आपके शादी को 5 साल 3 या 4 5 साल हो गए शायद, तो ये 5 सालों में आपको एक सेकंड भी उनके लिए प्यार नहीं था क्या? जवाब दीजिए। हाँ, क्यों नहीं था 5 सालों में? मतलब जो आपने इतना 3 साल के मतलब सबसे लड़े आप, उतना इतना सारा सब उनके लिए किया था, क्या वो 3 साल या 1.5 साल से बड़े है? नहीं, वो पिछला जो ये जो 1.5 हफ्ता था ना, वो बहुत भयानक था, और वो 1.5 हफ्ता पिछले 50 साल से भी ऊपर था। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो अपने पत्नी के लिए आपने सोचना चाहिए कि एक बार उनकी जगह हो क्या, रख के देखिए जो दर्द आपको है वो भी उनको भी वही है ना। नहीं, मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत बार सोचा, बहुत, कोई इंसान अगर जब मतलब अपना, मैं नहीं बोलती कि उनसे भी मतलब जो नोकझोंक होती है पति पत्नी में होती रहती है, मैं गलत किसी को नहीं बोल सकता, किसी को मैं गलत नहीं बोलता। अच्छा, सचिन भैया तुम्हें ना सचिन भैया सुनो, तुम उसे एक बच्ची मान के उसकी जेद उसकी हरकतें एक्सेप्ट करो एक बार, कि वो एक बच्ची बन के मतलब मेरे सामने, यदि मेरा बच्चा, सुनो सचिन भैया, कि यदि मेरा बच्चा होता तो वो मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करता। सुनो, ठीक है, मैं बच्चा मान लो, मेरे को मन से ही फीलिंग नहीं आएगी, मन से ही कुछ नहीं अगर फील करूंगा, मैं क्या करूंगा बच्चा मान के उसको? तो क्यों नहीं करते हो तुम फीलिंग यार? अरे, इतने अरे, पत्थर क्यों हो चुके हो तुम? सचिन भैया पता है फीलिंग्स वो मन से नहीं आती है, लेकिन कुछ टाइम उनके साथ बिताओगे तब फीलिंग आना शुरू होगा ना आपको। अरे मर जाएंगे कोई एक ना एक, वो या तो मैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ा था किसी घर वालों ने, 2 ही दिन में तो भाई बहुत हालत खराब हो गई, अब घर में क्या।